देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। भारी मात्रा में शराब बरामद। सुपौल सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। दरअसल सदर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष रमाशंकर को गुप्त सूचना मिली कि पिपराहरी गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिस सूचना पर दल बल के साथ रमाशंकर ने नेतृत्व में छापेमारी की। वहां वार्ड नंबर 13 निवासी संतोष यादव के अर्धनिर्मित मकान में जलावन के अंदर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस की इस कार्यवाही के भनक से शराब कारोबारी संतोष यादव ने पड़ोस के परमेश यादव के घर के अंदर ट्रक में भारी मात्रा में शराब को छुपाए हुए था। पुलिस ने सभी देशी और विदेशी शराब को बरामद कर लिया। इस मामले में SDPO विद्यासागर ने बताया कि कुल 991 विदेशी शराब की बोतल, जिसमें कुल 235 लीटर विदेशी शराब एवं 15 लीटर देशी शराब बरामद हुई है। मामले में कुल 4 कारोबारी प्रमोद यादव, संतोष यादव, परमेश यादव, रविंद्र यादव की संलिप्तता बताई गई है। सभी के विरुद्ध कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। 17/8/19 को करीब 2 बजे के आसपास गुप्त सूचना में, और इसमें एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रमाशंकर के नेतृत्व में और भी जो सुपौल थाना के सिपाही और छोटा बाबू जो थे, ये सब मिल के प्रमोद यादव, रविंद्र यादव और संतोष यादव, जो कि पिपराहरी के अगल बगल के ही रहने वाले हैं, इनके यहाँ छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान संतोष यादव के घर से कैसिनो प्राइड विस्की ब्रांड का 750 ml का 12 बोतल, 180 ml का 130 बोतल कुल अंग्रेजी शराब 32 लीटर करीब बरामद हुआ। सभी बोतल पर फॉर सेल इन हरियाणा वनले लिखा हुआ। रविंद्र यादव के घर के पीछे से 2 गैलन में 5-5 लीटर का 5 लीटर ब्लू पॉलिथीन में बांधा हुआ महुआ शराब बरामद हुआ। कुल 15 लीटर महुआ देसी शराब बरामद हुआ। रविंद्र यादव का शराब परमेश यादव के घर से इंपीरियल ब्लू विस्की ब्रांड का 180 ml का 562 बोतल, 375 ml का 245 बोतल, रॉयल स्टैग प्रीमियर विस्की ब्रांड का 375 ml का 10 बोतल, 180 ml का 32 बोतल कुल 202 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। सभी बोतल पर फॉर सेल इन हरियाणा वनली लिखा हुआ है, यानी कि तीनों के घर से मिला के कुल 234 लीटर विदेशी शराब और कुल 15 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रमोद यादव के घर पर सूचना थी, लेकिन प्रमोद यादव के यहाँ से कोई शराब बरामद नहीं हुआ। और मुख्य कारोबारी रविंद्र यादव है, रविंद्र यादव का ही शराब परमेश यादव के यहाँ से भी बरामद हुआ और संतोष यादव के यहाँ से भी। ये अभियुक्त 3 अभियुक्त हैं, संतोष यादव, रविंद्र यादव और परमेश यादव, जबकि प्रमोद यादव जिसके यहाँ सूचना थी उसके यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।